बेनीवाल जी 98 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लिया। विभिन्न पदों पर रहते हुए मंत्री, प्रथम मंत्री थी राजस्थान की मंत्रिमंडल में, महिला मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री भी रही, थोड़े दिन के लिए शिक्षा मंत्री भी रही, सिंचाई मंत्री भी रही। विभिन्न पदों पर रहने के बाद में वो राज्यपाल रही गुजरात में और दो अन्य जगह पर राज्यपाल भी रही। अपने वसूलों के लिए उन्होंने कभी भी वसूलों के साथ समझौता नहीं किया, सिद्धांत पे चली, ईमानदारी की राजनीति की, ईमानदारी से जनसेवा की। ऐसे राज्यपाल के पद पे रह चुकी एक महिला को उन्होंने राजकीय सम्मान नहीं दिया, ये मैं समझता हूँ कि बाहरी भूल इस राजस्थान की बीजेपी की सरकार की है। कोई पॉलिटिकल इस सरकार में बात करने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। जो नेता हैं, मंत्री मुख्यमंत्री को पटकने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के पर्ची के आधार के ऊपर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पहले पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। ये पॉलिटिकल कॉल था और हमारी परंपरा है राजस्थान की, इस परंपरा के तहत ही माननीय उपराष्ट्रपति हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको राजकीय सम्मान दिया गया, उनको उनकी उसके लिए स्मारक के लिए निशुल्क जमीन दी गई। हमारे नवल किशोर, पंडित नवल किशोर शर्मा जी थे जो गुजरात के ही राज्यपाल रहे, डॉक्टर कमलनाथ बेनीवाल जी की तरह गुजरात में राज्यपाल रहे, उनको भी राजकीय सम्मान दिया गया। तो फिर डॉक्टर कमला बेनीवाल को राजकीय सम्मान देने में इनको दिक्कत कहाँ थी? राजस्थान की सरकार ने चुनाव की आड़ में 300-400 परिवारों को उजाड़ दिया, वो करा रहे थे, हजारों पुलिस के जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो अमानवीय बर्ताव, जैसे अंग्रेज जब देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे उस वक्त जो अंग्रेजों का विरोध करते थे और अंग्रेज जैसे जुलम करते थे, वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुलम कर रही है और उसके ऊपर मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आना, उनका विधायक उनको खड़े खड़े ज्ञापन दे रहा है। मुझे तो शर्म आई कि एक मुख्यमंत्री बैठा है और एक विधायक खड़े खड़े अपनी व्यथा सुना रहा है, अपने इलाके के लोगों की जिनके घर उजड़ गए उनकी व्यथा सुना रहा है। उनको तसल्ली से बैठाना चाहिए और तत्काल उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई रोक दीजिए, हाई कोर्ट में हम जाके कहेंगे कि इन लोगों को हम कहाँ बसाएं, इनकी व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था पहले करेंगे और उसके बाद में हम हाई कोर्ट के आदेश की पालना करें। क्या आग लग गई थी? हाई कोर्ट का आदेश कोई आ जाए क्या? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, अपील कर देते। आरएसएस को मनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री नागपुर जा करके और रात बिताता है और वहाँ जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं वो उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। नितिन गडकरी जी का और प्रधानमंत्री जी का संवाद ही नहीं हो रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, कल पीयूष गोयल जी का मैं सुन रहा था, उनको कहा गया कि ये प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जाने, प्रधानमंत्री जी का काम जाने। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने किनारा कर लिया है। हमारी तो वो बात बात की बात कहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका तो पहले ही